दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स की टीम ने नूरपुर के नशा निवारण केंद्र का निरीक्षण किया। नूरपुर का नशा निवारण केंद्र सफेद हाथी साबित हो रहा है। नशा निवारण केंद्र में स्टाफ नहीं है। जब इसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि स्टाफ की सैलरी नामात्र है। नशा निवारण केंद्र में मात्र 3 लोगों का स्टाफ है, जिसमें एक फार्मासिस्ट, एक काउंसलर व एक सफाई कर्मचारी कार्यरत है। यूथ ऑफ अगेंस्ट ड्रग्स के अध्यक्ष रवि मेहरा व अमित ने बताया कि बहुत ही निंदनीय बात है कि इतना बड़ा नशा निवारण केंद्र और वो भी सफेद हाथी साबित हो रहा है। नशे से पीड़ित लोग यहाँ अपना इलाज करवाना चाहते हैं, पर नशा निवारण केंद्र में आकर खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। इसका मुख्य कारण स्टाफ की कमी है। रवि मेहरा ने सरकार व प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सरकार व प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। इस क्लब यूथ ऑफ नूरपुरा गेंद ड्रग्स में कोषाध्यक्ष का दायित्व है मेरा। तो आज हम यहाँ पर आए, हमने निरीक्षण किया, बहुत सी कमियाँ हमारे सामने आई। क्योंकि स्टाफ, जब हमें जितना भी स्टाफ है वो लोग बेचारे इतनी दूर से रोज किराया खर्च के यहाँ पे आते हैं, और जब वो इतनी बात कह रहे हैं कि हमारी जो दैनिक उनकी जो दिन की दिहाड़ी है, जिन्हें हम कह सकते हैं दिहाड़ी, वो एक नरेगा के मजदूर से भी कम है। कितनी निंदनीय बात है ये प्रशासन सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए। सरकार इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रही? जो पैसा उनको ऐसे अच्छी जगहों पर लगाना चाहिए, वो पैसा वो फालतू के कामों में फालतू की जगह लगा रहे हैं। ये हमने काफी बार देखा है। अब मेरा उनसे यही अनुरोध है, मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि ये बात ही कि यहीं दबी रह जाए। इसलिए हम आज यहाँ पर आए। हमने यहाँ की बहुत ही बेहाल स्थिति देखी, और मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से, प्रशासन से, कि आप जल्द से जल्द इस पे कदम उठाएं और इनकी और समाज की सहायता करें। नशा निवारण केंद्र में निरीक्षण किया, जिसमें हमने कई कमियाँ पाई। सबसे पहले जो हमारी कमी थी, जो हमने आज जहाँ पे कमी पाई, वहाँ पे स्टाफ बिल्कुल नहीं है। और हमारा जहाँ मानना है कि अगर नूरपुर क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कई नशे का गढ़ है, इंदौरा देख लो, नूरपुर देख लो, पठानकोट और सीमा बिल्कुल पंजाब एरिया के बिल्कुल टच में है, तो अगर नूरपुर क्षेत्र में नशा निवारण केंद्र भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टाफ ना हो तो वो बड़ी निंदा की बात है। तो मैं प्रदेश सरकार से भी और प्रशासन से भी यही चाहता हूँ कि जहाँ पे स्टाफ की कमी हो जो जल्द से जल्द पूरी करे। और इस जो हमने पहले भी इन स्टाफ वालों से भी सुना है कि जहाँ पे काफ़ी पहले समय से अच्छा चल रहा था, वहाँ पे डेली रोज मरीज आते हैं और पूछते हैं कि जहाँ पे हमने नशा शुरुआना है उसके लिए हमें एडमिशन जैसे कुछ दिया जाए, तो वहाँ पे हमेशा लोगों को निराश होने पड़ता है। वो बोलते हैं कि जहाँ पे स्टाफ नहीं है तो हम कैसे करें। तो ये बड़ी निंदनीय बात है सरकार के खिलाफ भी और प्रदेश सरकार के प्रशासन के खिलाफ। और मैं चाहता हूँ प्रदेश सरकार और प्रशासन से भी, जहाँ पे जो नशा निवारण केंद्र जहाँ पे पूरा स्टाफ पूरा हो और जहाँ पे अच्छी सुविधा और अच्छे जो लोग नशे की चपेट में आ चुके हैं वो नशा छुड़ाने के लिए मुहिम जो जहाँ पे आते हैं तो उनके पूरी देखरेख और जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे पूरी हो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से लवलीश शर्मा की रिपोर्ट। मीटिंग्स स्पेशल इंटरेस्टिंग क्लोज एंड पर्सनल New relations are born at Nexa. A new destination. A new experience. Nexa. Times TV के Facebook पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।